चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के ईवीएम के सभी वोटों से वीवीपैट मिलान की मांग को खारिज कर दिया, जिसे कांग्रेस के नेता मोतीलाल बोहरा ने निराशाजनक बताया। वहीं हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने मोतीलाल बोहरा से खास बातचीत की, आप भी सुनिए इस पूरे मसले पर मोतीलाल बोहरा का क्या कुछ कहना था। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोहरा, उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि कार्यकर्ता सतर्क रहे, कैसे देखते हैं इस ट्वीट को आप, जबकि चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया है। ये दुर्भाग्यजनक है कि चुनाव आयोग ने हमारे 21 दलों के नेता, जब उनसे मिलने गए थे, उन्होंने मांग रखी थी कि वीवीपैट की गिनती पहले होनी चाहिए तो बाद में ईवीएम की। आज उनका फैसला आने के बाद में मुझे लगता कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक फैसला हुआ है। जनता के साथ में, जनता के जो नेताओं ने जो बात रखी थी उनको एक तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम हर जगह काउंटिंग के समय में पूरी तरह से सतर्क रहे, हम डरे नहीं, हिम्मत के साथ में वहाँ पर बैठ के हम काउंटिंग की प्रक्रिया को देखें और जो आपके एग्जिट पोल की जो भ्रमपूर्ण स्थिति रही है उसे हम पूरी तरह से नकार दें। हम तो कल काउंटिंग में सतर्क रहेंगे और हम डटे रहेंगे। तो क्या लगता है, अंतिम समय में चुनाव आयोग में मांग लेकर आप लोग पहुंचे और उन्होंने खारिज कर दिया, अब क्या भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को चुनाव आयोग? अब ऐसा है कि मैंने तो कहा कि चुनाव आयोग ने जो बात हमारी बात को नहीं माना, वो हमने तो कहा था कि वीवीपैट की गिनती पहले होनी चाहिए। न मानना 21 दलों की भावनाओं का अनादर करना है और पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद सर। पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण बताया है जिस तरीके से मोतीलाल बोहरा ने बताया, और विपक्ष जो है एक मांग को लेकर पहुंची थी चुनाव आयोग, जिसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है।